विभिन्न वक्ताओं के मुख से, बड़े सुंदर सुंदर दृष्टिकोण से दावदृष्टके में द्वितीय श्लोक की व्याख्या को श्रवण किया। व्यापक और व्यापक कितना सुंदर सिद्धांत बोधायन महाराज जी ने बताया, और श्री पद्मा महाराज ने भी एक बड़ी सुंदर बात बतलाई। जीव कैसे माधुर्य रस को समझेंगे? साधारण व्यक्ति वात्सल्य भाव को बड़े आसानी से समझ सकता है। उसी से ही भगवान की भक्त वश्यता प्रेम वात्सल्य को समझकर तब अधिकार की प्राप्ति होगी कि माधुर्य रस में उसका प्रवेश होगा। यही लाभ होता है ऐसे सभा में बैठकर एक ही विचार पर जब मंथन होता है तो सभी अपने अपने दृष्टिकोण से, जो कि अपना नहीं गोस्वामी वर्गों के ही विचार हैं, तो कोई जीव गोस्वामी जी का विचार बतलाता है, कोई सनातन गोस्वामी जी का, कोई चक्रवर्ती ठाकुर जी का, और उसे में हमको श्रवण मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रुदम तमुह नेत्रम युग्मं ब्रजान्तम, अभी अभी चर्चा हो रही थी, श्री कृष्ण रोए, रुदम आरंभ ही यहीं से हुआ। तो क्या अन्य अन्य अवतार कभी रोते नहीं है? रोते हैं, भागवत जी में देख लो। कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर श्री हरि आए, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए, बिंदु सरोवर बन गया। कितने ऐसे हो, प्रहलाद जी को अपने सामने प्रणाम करते हुए देखा, प्रहलाद इतने यातनाओं से निकले, श्री नरसिंह भगवान क्रंदन करने लगे। ऐसे श्री हरि कितनी बार रोए, श्री राम जी भी निषाद राज के प्रेम को देखकर, सुग्रीव के भाव को देखकर, विभीषण जी के त्याग को देखकर कितने प्रसन्न, हनुमान जी की सेवा को देखकर, लक्ष्मण के भाव को देखकर, भरत जी को आलिंगन प्राप्त करके, और फिर उससे भी श्रेष्ठ सीता जी के विरह में श्री राम जी भी क्रंदन किए। तो बाल गोपाल यदि रुदम तो मुह नेत्रम, श्री कृष्ण भी यदि रो रहे हैं तो उनका क्रंदन और अन्य अन्य हरियों का जो क्रंदन है उसमें क्या भेद है। वे जितने भी अवतार रोए उस रोने के पीछे भक्त वात्सल्यता है, अपने भक्त के भाव को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, तपस्या को देखकर, लेकिन कोई आतंक के कारण नहीं रोया, ये विशेषता है, ये विशेषता है। रुदम तमोह नेत्रम युग्मं ब्रजान्तम, सातांक नेत्रम, आंखों में जो आतंक है, श्री राम जी के नेत्रों में आतंक नहीं था, श्री नरसिंह भगवान के नेत्रों में आतंक नहीं है, अन्य अन्य जो अवतार उनके नेत्रों में आतंक नहीं है, और वो भी किसको देखकर, प्रसाद लेबे न गोपी, यशोदा मैया का जो सौभाग्य है, नंद किम अक्रोध ब्रह्म शैव महोद्यम, यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। श्री नंद महाराज उनकी क्या महिमा, शय व महोद्यम, वो महाशय है, यशोदा व महाभागा, और ये यशोदा मैया से बढ़कर और कौन सौभाग्यवती होंगी, पपो यस्य स्तनम हरि, जिनके स्तनपान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण मैया के अधीन है, उन उन लीलाओं में वो भक्त के अधीन नहीं है, इस लीला में गोपाल अपनी मैया के अधीन है, अधीन है। इसलिए ये जो श्लोक में जो एक एक शब्द है वो एक दूसरे का पुष्टिदायक है। भाई आतंक होगा नेत्रों में तो रोना तो आ ही जाएगा, और रोना भी जब होगा वो आतंक तो होगा ही। और श्रील गुरुदेव बतला रहे हैं कि एक तो इसलिए अपनी आंखें मल रहे हैं कि जानबूझकर आंसुओं को निकाल रहे हैं, निकलो। हाँ, कभी कभी
वैष्णव आचार्य इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आंसुओं को कोस रहे हैं, अरे दो चार तो निकलो आज, नहीं तो आज तो मैया का शासन, आज तो मैया को संभालना बड़ा कठिन है, दो चार तो निकलो कठिन समय पे, तुम भी मेरी सहायता नहीं कर रहे, इसलिए निकल नहीं रहे ना अश्रु, तो आंखों से मल रहे हैं कि निकलो तो सही। अच्छा, भगवान के गोपाल के श्री कृष्ण के हस्तों की तुलना किससे की गई? कुंती जी का आश्रय लेते हैं, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राया नमस्ते पंकज अंगे, चरण भी कमल के समान, यहाँ पर हस्त भी कमल के समान, और नेत्र कैसे हैं? कमल के समान, और मुखमंडल कैसा? वो भी कमल के समान, एक कमल दूसरे कमल को रगड़ रहा है। कमल पर क्या होता है? सब समय बिंदु होता है, उससे कमल की शोभा और ज्यादा वर्धित हो जाती है, एक एक बिंदु उस पर टपकता है। यहां पर एक सुंदर कमल के माध्यम से ये दो कमल, हस्त कमल और दो नेत्र कमल, क्या शोभा होगी, इसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, कुंती जी ने की ही। पहले तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन कर दिया, क्योंकि द्वारिका परिकर है ना, कुंती जी द्वारिका परिकर है। नमस्य पुरुषत्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम लक्षति सर्वभूतानाम अंतर भैरवस्थितम्। नमस्य पुरुषत्वाद्यम, हे परम पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूं। ईश्वर प्रकृति परम, आप तो प्रकृति से भी परे हो। और अंतर भैरवस्थितम, कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर आप है ही नहीं, सब स्थान पर आप हैं, अंतर वही सब जगह सर्वव्यापक हैं। परंतु जहां पर ऐश्वर्य का वर्णन हुआ वहां पर एक यही विवशता है, एक द्वारकर परिकर की, ये मात्र कुंती जी पर ही लागू नहीं होता, भीष्म जी भी उसमें आते हैं, उद्धव जी भी उसमें आते हैं। जहां पर द्वारका परिकर ब्रज परिकर की महिमा का गान करता है, श्री भीष्म जी गोपियों की महिमा का गान कर रहे हैं, वो भी कब, जो अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, श्री कृष्ण के सामने आते ही रासलीला का स्मरण कर रहे हैं, ललित गलित विलास वल्गुहार, आहा गोपियां अंतर ध्यान हुई, और आप किस प्रकार से आपका मंद मंद मुस्कान और आपके चरणों का विन्यास, गोपियों ने आपकी लीला का अनुकरण किया। द्वारका परिकर है, स्मरण किसका हो रहा है, ब्रज परिकर का। उद्धव जी द्वारका परिकर है, लेकिन महिमा किसकी गान कर रहे हैं, आसा वह चरण रेणु जुशाम्याम श्याम, राधा जी की एक चरण धूल की। उसी प्रकार कुंती जी मात स्थानी माता हैं, और वह कुंती जी द्वारका परिकर, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते करते रह नहीं पाई और यशोदा मई की महिमा का गान करना ही पड़ा। गोप्य ददत कृत घासम दाम तवत याते दशा अशु कलिन अंज समरक्षम वक्त्र विनिन्या भय विविन्द स्थितस्या साव मोहिति भीरपि यद्भवेति। अरे जिसके भय से भय भी भयभीत हो जाए, जिनके उपस्थिति से भय भी भयभीत हो जाए, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल, श्री कृष्ण जब यमपुरी गए ना गुरु पुत्र को वापस लाने के लिए, यमराज जी चिंता में पड़ गए। ये कृष्ण स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिन्होंने समस्त लोकपाल दिक्पाल पर शासन किया है, वरुण देवता को छोड़ा नहीं, इंद्र को छोड़ा नहीं, ब्रह्मा तक को छोड़ा नहीं, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, भगवान यमपुरी आ गए। ये ऐसा स्वरूप है, इन्होंने समस्त लोकपाल दिक्पालों पर शासन किया ऐश्वर्य, लेकिन जिनके भय से भय भी भयभीत हो जाए, कौन, श्री कृष्ण। आज वो मैया के वात्सल्य स्नेह, क्योंकि माता मोरे पुत्र भावे कोरे बंधन अति हीन ज्ञाने कोरे लालन पालन, ये यशोदा मैया ही कर सकती है और किसी मैया का यह अधिकार ही नहीं है। किसी मैया ने भगवान को बांधा नहीं, कौशल्या माता ने भी नहीं, देवहूति जी ने नहीं, किसी माता ने, एकमात्र यशोदा मैया, यशोदा व महाभागा
वपो यस्य स्तनम हरि, जिनके भय से भयभीत भी हो जाए, जिनका ऐश्वर्य कोई आज तक उनका ऐश्वर्य में पूर्ण रूप से जान नहीं पाया। ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो सिर पर हाथ मारकर बोल दिया, जनंतम एव जनंतम किम बहु वक्त नामे प्रभु, मनुष्य वपुष वाचा वैभवम तम गोचरम। कोई बोलता है बोलने दो, मैं ब्रह्मा जो तीन बार सारे वेदों को अवलोकन कर लिया, मैं ब्रह्मा इस बात की पुष्टि करता हूं, मनुष्य वपुष वाचा वैभव तम गोचरम, आपके वैभव को ऐश्वर्य को मैं नहीं जान पाया। वे श्री कृष्ण जिनके चरणों के जिस चौकी पर अपने चरण रखते हैं कि स्वयं तो साम्य अतिष्ठ स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त कामा बलमी हिरिचोर चिर लोकपाला किरित कोटि यदपाद पीठ। जिस चरण चौकी पर श्री कृष्ण चरण रखे वहां पर सब आकर अपने मुकुट से प्रणाम करें, आज वो भीर अभी यद भयभीती, आज वो भयभीत हो रहे हैं, आज भयभीत हो रहे हैं मैया के क्रोध के कारण। और जैसे से पूर्व वक्तों ने बताया, मैया को देखकर नहीं, मैया के हाथ में वो जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या छड़ी, बड़े बड़ों को सीधा कर देती है, बड़े बड़े को सीधा कर देती है। बड़े बड़ों में तो कौन बड़े हुए, श्री कृष्ण बड़े हुए, उनको भी सीधा करने की मैया के अंदर जो भावना है, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। जहां पर ऐश्वर्य निम्न हो गया, जहां पर माधुर्य श्रेष्ठ हो गया, माधुर्य जहां पर श्रेष्ठ हो गया, मधुर भाव जहां पर श्रेष्ठ हो गया, वहां पर ऐश्वर्य की गंध मात्र भी नहीं, प्योर ऑर्गेनिक वात्सल्य भाव ऑर्गेनिक का जमाना ना, शुद्ध वात्सल्य प्रेम। और भगवान एक और बात यहां पर स्थापित कर रहे हैं, समय नहीं ले रहा, समय हो चुका। ये वेदांत में या फिर मायावादी भी इस बात को स्थापित करने के लिए, अब जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे, उसका विस्तार नहीं करते, बोलते हैं घट और पट और सर्प और रज्जु, इसी दृष्टांत से तो बतलाया जाता है कि नहीं, ये सब विद्वान बैठे हैं समझ जाएंगे, घट और पट सर्प और रज्जु, घटाकाश पटाकाश। श्री कृष्ण ने इन चारों को ही अपनी लीला के माध्यम से बतलाया, घट मतलब मटकी फोड़ दिया और पट मतलब चिरघाट जाएंगे ना, वस्त्र चोरी किया, घट और पट और सर्प मतलब आज जाएंगे कालियादा और रज्जु मतलब दाम बंधन लीला। घट और पट और सर्प और रज्जु, इसी से तो सब वेदांत का समझाने का एक तरीका है। और श्री कृष्ण इन्हीं चारों को ही धारण कर अपने श्रेष्ठता, अपने ऐश्वर्य और अपने माधुर्य को स्थापित कर रहे हैं, इन्हीं चार को धारण कर रहे हैं। मटके भी फोड़ी, क्या भागवत जी का श्लोक सुन रहे, बाल लीला में एक शूद्र के सामने एक श्लोक का स्मरण नहीं आ रहा, मरुकन मोक्ष जाति साच नाग भंडन भिन्नति, कहां से आरंभ होता है, वसन मुंचन क्वचित असमय क्रोध संजात हासम स्त्री कल्पिता स्वयं योग्य मरकन भोक्षम जाति साच नाथ भंडन भिन्नति। मटकी को फोड़ दिया, घट को फोड़ देते हैं और पट को तो अर्थात चीर हरण कर लेते हैं, मटकी को फोड़ दिया और घट को पट को हरण कर लिया और सर्प पर शासन किया। लेकिन इस सब कर होने पर भी रज्जु में तो स्वयं ही रज्जु पे शासन नहीं कर पाए, क्योंकि ये रज्जु कोई साधारण रज्जु नहीं है और वो रज्जु नहीं है, वो प्रणेना रसेना दितांग्री पद्मा, वो प्रणय रूपी रज्जु है, वो भक्ति रूपी रज्जु है, वो ही कृष्ण को बांध पाया। कृष्ण रज्जु को नहीं बांध पाए, रज्जु पर शासन नहीं किया, रज्जु का हरण नहीं हुआ, रज्जु को तोड़ नहीं पाए, बाकी समस्त को वो शासन और तोड़ पाए। ये रज्जु कोई साधारण रज्जु नहीं, ये यशोदा मैया का रज्जु है।
सख्य रस वाला भी इसको बांध खोल नहीं पाएगा। दाऊ भैया ने भी प्रयास किया, वो भी नहीं खोल पाए। गुरुदेव बता रहे टीका में, दाऊ जी भी नहीं खोल पाए, सखा की तो बहुत प्रयास किया नहीं खोल पाया। ये तो वात्सल्य रस का रज्जु है, ये कोई और रस वाला नहीं खोल पाएगा। इसलिए चार प्रमुख रसों में श्रेष्ठतम या तो वात्सल्य या फिर मधुर रस, और इन्हीं दोनों रसों में श्री कृष्ण ने ना शब्द कहा। या तो वो वात्सल्य रस में यशोदा मैया के सामने नाहम भक्षितम अम्बा सर्व मिथ्या विष्णसिना, मैंने माटी नहीं खाई, सब मिथ्या बोल रहे। यदि सत्यग्रही समक्ष पक्ष में मुखम, यदि विश्वास नहीं होता मेरा मुख खोल कर देख ले, नाहम भक्षितम अम्बा, या फिर वो नाहम कहा माधुर्य रस में, ना पारे हम निर्वध समझो सुसाद कृत विपदि शापी। ये दो ही रसों में ना शब्द होता। तो समस्त रसों में वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस, जहां पर पूर्ण रूप से वशीभूत है, पूर्ण रूप से वशीभूत है। ये सब विचार गोस्वामी वर्गों के विचार, और ये सब विचार श्री गुरुदेव ने मंथन करके हम लोगों को ऐसे ही पिला दिया, ऐसे पिला दिया। ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। ये गुरु जी का वात्सल्य है, ये गुरु जी का वात्सल्य है। इन सब विचारों में सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर तब लीला का, सिद्धांत एक फाउंडेशन है, सिद्धांत एक आधार है जहां पर रस का महल खड़ा होता है। यदि वो सिद्धांत फाउंडेशन पक्का नहीं है तो रस का महल वहां पर खड़ा नहीं हो सकेगा, वो हवा में महल खड़ा रहेगा, वो कभी भी गिर जाएगा। इसलिए सिद्धांत और तत्व के माध्यम से वो एक फाउंडेशन है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं, पूर्ण तो फिर रस ही है, लेकिन वो आधार अत्यंत आवश्यक है। ये सिद्धांत होना, और विशेष करके जो गौड़िया सिद्धांत हमारा, उसकी क्या महिमा। ये सब विचार, इसके ऊपर रस का महल, और इस महल के ऊपर फिर प्रेम का पताका, उसके ऊपर प्रेम का पताका चढ़ता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री गुरुदेव की जय।